नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल जमाना है मल्टीवर्स, यूनिवर्स और क्रॉसओवर का। कई तरह की बात होती है, कॉप यूनिवर्स की, स्पाई यूनिवर्स की, और अपने यहाँ रोहित शेट्टी ने तो जैसे कॉप यूनिवर्स बना ही लिया है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी जैसी फिल्में वो बना चुके हैं और वो एड ऑन भी कर रहे हैं। रोहित शेट्टी की ही एक सीरीज आने वाली है अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे, नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, और उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी नज़र आने वाली हैं। और ख़ास बात ये कि इस कॉप यूनिवर्स की पहली फीमेल अफसर शिल्पा शेट्टी बनने वाली हैं। और दोस्तों, अभी एक सीरीज आई है अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे, फर्जी। क्रिएटर हैं राज एंड डी के, जिन्होंने द फैमिली मैन बनाई थी। और फर्जी की रिलीजिंग के बाद अब ये चर्चा हो रही है कि राज एंड डी के ने एक स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर लिया है या एक स्पाई यूनिवर्स वो क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि राज एंड डी के स्पाई यूनिवर्स के को लेकर के क्या संकेत हैं, क्या संभावनाएं हैं, और अगर कुछ समस्या हो सकती है थोड़ी बहुत तो वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संकेत की। फर्जी सीरीज जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारा कनेक्शन आपको द फैमिली मैन का दिखेगा, और ये दोनों ही सीरीज राज एंड डीके ने बनाई है। अब देखिए, एक दृश्य आता है फर्जी में, जब माइकल यानी कि विजय सेतुपति उसी बिल्डिंग के सामने से गुजर रहे होते हैं जिसमें द फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी यानी मनोज वाजपेयी का ऑफिस होता है। वहाँ दो लोग चाय पी रहे हैं और संयोग से ये दो लोग वही हैं जो कि श्रीकांत तिवारी की टीम में हैं, और विजय सेतुपति उनसे पूछते हैं कि तिवारी है क्या, और फिर वो कहते हैं कि बोल देना माइकल आया था और बोल देना कि मैं उसको जानता हूँ। अब इसके बाद फिर एक दृश्य आता है जहाँ विजय सेतुपति तिवारी को फ़ोन करते हैं, उससे मदद मांगते हैं, और उधर से हमको मनोज वाजपेयी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं चेल्लम सर को। अब ये जो करेक्टर था, ये द फैमिली मैन का एक बहुत ही ज़बरदस्त और रहस्यमय करेक्टर था, और यहाँ भी ये करेक्टर हमको दिखता है जो कि माइकल की मदद करता है, और इवन कि आप सब इंस्पेक्टर तावड़े को भी देख सकते हैं। तो ये सारे संकेत मिलने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि राज एंड डी के एक स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं, और इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हैं जो हमको दिखे हैं, श्रीकांत तिवारी या फिर माइकल, वो सब दिखने वाले हैं अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों, अब बात संभावना की कि इस स्पाई यूनिवर्स की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखिए, संभावना की अगर बात करें तो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, दमदार संभावनाएं हो सकती हैं, और उसकी कुछ वजहें भी हैं। सबसे पहले तो ये कि ये दोनों राज एंड डीके का क्रिएशन है, और हो सकता है कि राज एंड डीके कुछ और प्लान कर रहे हों। अब देखिए, फर्जी की जो कहानी है वो है काउंटरफिट्स की यानी नकली नोट की, और द फैमिली मैन की जो कहानी है वो है आतंकवाद की। और आतंकवाद और नकली नोटों के बीच कितना गहरा संबंध है ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो हो सकता है कि कोई और ही सीरीज़, कोई और ही कहानी हमारे सामने आए जिसमें इन दोनों को देखने को मिले हमको, यानी कि आतंकवाद किस तरह से नकली नोटों का इस्तेमाल करके फैलाया जा रहा है ये हमको देखने को मिले, और हो सकता है कि इस चीज़ को रोकने के लिए दोनों ही अधिकारी हमको दिखे, यानी श्रीकांत तिवारी यानी मनोज वाजपेयी और विजय सेतुपति यानी माइकल। अभी देखिए, फर्जी आई है और फर्जी में बहुत सारी चीज़ें हमने द फैमिली मैन की देखी हैं। अब द फैमिली मैन का तीसरा सीजन आने वाला है, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमको वहाँ फर्जी की भी दिखाई दे। और सबसे बड़ी बात यह कि राज एंड डीके एक बहुत ही दूरदर्शी और प्लानिंग करके काम करने वाले डायरेक्टर हैं। अब जब द फैमिली मैन की शूटिंग चल ही रही थी तभी उनके सामने फर्जी का कंसेप्ट था, और जब द फैमिली मैन की शूटिंग चल रही थी तो हुआ ये कि मनोज वाजपेयी से मिलने के लिए विजय सेतुपति गए थे, और तभी से इन दोनों डायरेक्टर्स ने यह तय कर लिया कि फर्जी में माइकल के किरदार में उनको विजय सेतुपति को कास्ट करना है।
हालांकि दोस्तों फर्जी पहले एक फिल्म की शक्ल में आने वाली थी, लीड रोल शाहिद कपूर ही करने वाले थे, कृति सेनन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें होने वाले थे, लेकिन बाद में इस कहानी को और डेवलप किया गया, इसको और विस्तार दिया गया और फिर ये कहानी इतनी लंबी हो गई कि इसे एक सीरीज की शक्ल देनी पड़ी। अब दोस्तों बात समस्या की, यदि राज एंड डीके एक कॉप यूनिवर्स बनाते हैं तो उसमें क्या छोटी मोटी समस्या हो सकती है। देखिए राज एंड डीके नेटफ्लिक्स के साथ भी जुड़े हुए हैं और नेटफ्लिक्स पे उनका अगला प्रोजेक्ट आने वाला है गन्स एंड गुलाब्स, जिसमें राजकुमार राव लीड रोल में है, दुलकर सलमान है और राजकुमार राव एक तरह से इनके चहेते कलाकार भी हैं क्योंकि इन दोनों ने स्त्री में साथ काम किया है। तो अभी हमको ये नहीं पता कि गन्स एंड गुलाब्स के कितने सीजन हैं, उसको लेकर के आगे क्या प्लानिंग है, और अगर नेटफ्लिक्स इस सीरीज़ को लंबा ले जाना चाहता है और उसकी कहानी में कुछ और ऐड ऑन होता है, नए सीजन्स आते हैं, तो फिर राज एंड डीके को नेटफ्लिक्स के साथ भी अपने एसोसिएशन को बना करके रखना होगा और आगे बढ़ाना होगा। तो ऐसे में अमेज़न प्राइम वीडियोज़ के साथ जो दो सीरीज़ ये बना रहे हैं और फिर अगर कुछ नया प्लान करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत इनको हो सकती है। तो दोस्तों आज यही बात स्पाई यूनिवर्स को लेकर के, राज एंड डीके को लेकर के, आपको ये चर्चा कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और OTT की दुनिया की हर अपडेट हर हलचल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।